और इधर से भी दिखाते हैं अंदर चल के कि कितना बड़ा पंडाल आप लोग को दिख जरूर रहा होगा। अब देखिए क्या केदारनाथ याद आया, तो एक बार हर हर महादेव भी जरूर लिखेगा जय माता रानी की। जय माता रानी की दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई आपका जो आपने बेगूसराय में एक ऐसा जगह जा रहा है जहाँ का दृश्य देखने के बाद आपको आ जाएगा केदारनाथ का याद, क्या मम्मी? जय माता रानी की। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। और भाई आपका जा रहा आज माता रानी का पंडाल, माता रानी का दर्शन, माता रानी का मंदिर का दर्शन करवाने के लिए, जहाँ पर इतना सुंदर मंदिर बना है जिसका कोई जवाब नहीं। आज चारों तरफ से घुमा के दिखाएगा, रील में तो देखे होंगे लेकिन पूरा ब्लॉग में नहीं ना देखे। अभी चलिए दिखाते हैं जय माता रानी। आप सभी को मालूम है कि जाने से पहले नन्हा मुन्ना को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। बाबू इधर हाई करो, हाई कर दो, इधर 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 इधर, मोबाइल में, मोबाइल में, मोबाइल में। ए हो देखिए पैर से हाई कर रहा है। इसको थोड़ा सा घुमा दिया, अब निकलते हैं माता रानी के पास। फाइनली भाई आपका पहुंच गया है, और जिसका इंतजार था माता रानी का, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेन गेट है, इधर से हम लोग इन कर रहे हैं। अभी जाम लगा हुआ है, और इधर से भी दिखाते हैं अंदर चल के कि कितना बड़ा पंडाल आप लोग को दिख जरूर रहा होगा। देखिए कैसा बना है, देखिए ये दिख रहा है ना पीछे से, अभी कुछ नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। क्या दिखा भैया, क्या खतरनाक चीज दिखा ना भाई? आपका थोड़ा सा बोक गया है, पोखर 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 पोखर, पूछ लेते हैं। हाँ रिक्शा वाले भैया बता दिए कि इधर नहीं जाना है, इधर चलना है, काहे कि इधर बना हुआ है पोखर के पास। अभी गाड़ी पर से ही घूम रहे हैं, काहे कि धूप है, उतर के पैदल चलेंगे तो काफी ज्यादा थक भी जाएंगे और दूरी होगा, तो मजबूरन गाड़ी से ही चल रहे हैं। आप लोग खुद मन में व्यू कर सकते हैं आंख बंद करके, कि ये लाइटिंग जो किया हुआ है ये रात में जलती होगी तो कितना खतरनाक, कितना सुंदरता बढ़ जाता होगा और ज्यादा। ये तो दिन का नजारा है अभी। आओ गाइस देखिए ये मंदिर शुरुआत का है, क्या सुंदरता है, देख सकते हैं। अच्छा डेकोरेशन देखने को मिला कहाँ है, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी देखिए माता रानी का महिमा, ये जो है ना ये अपने आप नहीं हुआ है, ये भक्त जनों, जितना भक्त है ना माता रानी का, वो भक्त पर जो है माता रानी का फुल्ली आशीर्वाद है, जो खुशी से ये सब खर्चा करते हैं, खुशी से ये सब डेकोरेशन करवाते हैं। चलते चलते भाई आपका पहुंचा मंजिल पर, देख सकते हैं एक और पंडाल गेट, और इधर भी एक और पंडाल गेट, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में यार। अभी चलते हैं असली वाला, जो केदारनाथ का जो हूबहू उतार दिए हैं ना अपने बिहार में। आप लोग बिहार में कहां से देख रहे हैं बताइएगा, कि कभी बिहार में ऐसा देखे थे पंडाल? अपने बेगूसराय के बखरी में जो है इतना अच्छा पंडाल बना है। क्या भाई आपका पहुंच रहा है असली केदारनाथ के मंदिर के पास, पंडाल के पास। तो देखिए यहां पर जो अंदर से किस तरह से व्यू लग रहा है, सोचिए दिन में इतना अच्छा लग रहा है तो रात में कितना अच्छा लग रहा होगा। तो भाई आपका अभी पंडाल के नीचे में है, और तो देखिए ऐसे फैन को हम दिल से सलाम करते हैं, और जय माता रानी की, जय माता जी, जय माता जी। अमन ऑफिशियल दास के साथ में ये भी जरूरी है कि बकरी में जाना है, यहाँ से कितना दूर है आगे मंदिर वाला? बस पहुँच गए क्या? अच्छा यही वाला केदारनाथ वाला यही है, केदारनाथ वाला इधर ही है। तो भाई आपका जो है गाड़ी लगा दिया इस दुकान के जस्ट सामने, और यहाँ से जो है गाड़ी अंदर इन करने के लिए नहीं दे रहे थे, तो भाई आपका भी पैदल ही चल रहा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है साइड से ऐसा लग रहा है देखने में, कितना मस्त बना हुआ है। बाकी बात जो है सामने से दिखाते हैं अभी इसी चीज को। अब देखिए क्या केदारनाथ याद आया, तो एक बार हर हर महादेव भी जरूर लिखेगा जय माता रानी की, तो लिखना ही लिखना है शुरू में ही। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो है केदारनाथ का याद आया बिहार के वासियों। अब पता चला कि अपने बिहार में क्या क्या हो सकता है, कितना मस्त लग रहा है माता रानी का जो है ये पंडाल देखने में। और सभी जो है यहाँ पर भक्त जन जो है चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ फोटो वीडियो। अभी तो दिन है, जब रात में आइएगा ना तो और ही अलग ही मजा आएगा। यहाँ पर करना नहीं हुआ जिसके वजह से भी पर्दा लगा हुआ है, अब जो है थोड़ा सा कैसा लगा आप लोगों को ये मंदिर, मंदिर माता रानी का? क्या आप यही के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ, हमारे यहाँ तो धर्म भूमि है, ये तो बता सकते हैं इसके बारे में?
बारे में मंदिर की व्याख्या जितना किया जाए उतना कम है। यहाँ यहाँ शक्ति पीठ है, यहाँ पर देखा जाए तो यह शक्ति पीठ वर्षों से परमार वंशीय अष्टपति परिवार से द्वारा बनाया जाता है और यह जो मंदिर है इस इनका महिमा भी अपार है। और देखिए इस बार जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर बनाया गया ऐसे लग रहा है कि हम केदारनाथ धाम में ही बैठे हुए हैं। यह मंदिर मतलब अविश्वसनीय है, जिसके बारे में कहना मुश्किल है, इसका वर्णन करना हम लोगों के लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं। और सच पूछे तो अभी जो केदारनाथ में है ये कहाँ है? बिहार में। ये बिहार के बकरी में होगी, बकरी वो भी बिहार के बकरी बेगूसराय जिला में है। तो आप लोग जय माता रानी की जरूर कमेंट में लिखिएगा। चल तो दिए लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा। तो भाई आपका आप जो है वैष्णो देवी का मंदिर दिखाता है किधर बना हुआ है, चलिए अब दिखाते हैं। और ये देखिए भाई आपका वैष्णो देवी के मंदिर के पास पहुंच गया है। तो जय माँ वैष्णो देवी भी लिखना जरूर बनता है कमेंट में। क्या कहते हैं ये मंदिर देखने के बाद भी कुछ याद आ रहा है आप लोगों को ये बताइएगा कमेंट में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आय हाय, माँ के चरण में आने के बाद कहीं जाने का मन नहीं करता है, मन करता यही रह जाए। अब जो है काफी ज्यादा धूप भी हो गई है तो ये दिखा दिए ना। अब भाई आपका यहाँ से घर निकलता है, रास्ते में कुछ खाते पीते निकले वहाँ से घर के लिए, प्यास लग गई सोचे बीच में थोड़ी पानी पी लेते हैं। देखिए गाइस भाई आपका घर पहुँच गया है और इधर देखिए कहाँ जाएगा बेटा, दुर्गा स्थान। देखिए इतना छोटा बच्चा को भी दुर्गा स्थान जाने का जाएगा। क्या देखने जाएगा? बाजा देखने। देखिए दुर्गा स्थान जाएगा माता रानी का दर्शन करने के लिए का मम्मी। तो चलिए आप लोग जय माता रानी की जरूर लिखिएगा कमेंट में। और भाई आपका अभी जाता है, थोड़ा आराम करेगा फिर निकलेगा दूसरा ब्लॉग बनाने के लिए।